बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को, प्यारों को, देखने वालों को चौधरी का सलाम। अभी जनाब आज माशाल्लाह मेरी फैमिली उकाड़ा से वापस आ रही है और उनके आने की खुशी में और वो सफ़र में थके हुए आएंगे, आज मैं बना रहा हूँ देसी मुर्ग है जनाब। ये सील मुर्ग का गोश्त है देसी, और इसके अंदर शोरबा बनाएंगे। रोश डिश है जी, आज मैं चिकन रोश बनाऊंगा देसी चिकन का, और फैमिली को वेलकम करूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम जनाब ये कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें चूल्हा ऑन किया है जी अभी, और कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम फ्राई करेंगे प्याज को मसाला रेडी करने के लिए। ठीक है जी, आज जनाब चिकन रोश की डिश बनेगी। सर्दी भी है और सर्दी में दिल भी करता है बंदा गोश्त वगैरह खाए या गर्म चीज़ें खाए। देसी चिकन है जी, आज गिफ्ट किया है किसी दोस्त ने हमें, तो मैंने कहा चले आज गोश्त जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं। ठीक है जी, ये भी ऑयल ऊपर रखा है, ऑयल पकना शुरू हो रहा है। जिस तरह ये ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम फिर डालेंगे प्याज को। ये हमने प्याज काटा हुआ है बारीक बारीक, प्याज को काटेंगे तो इंशाल्लाह प्याज जब फ्राई हो जाएगा ब्राउन, और उसके बाद फिर हम ये बाकी लवाजमात इसमें डालेंगे और तैयार करेंगे। आज जो डिश हम बना रहे हैं या डिश मैं बना रहा हूँ वो अपनी फैमिली के वेलकम की खुशी में, तो इस डिश का नाम है जी चिकन रोश। ठीक है जी, बनाने का तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखें प्याज अभी गर्म हो गया है, तेल गर्म हो गया, इसके अंदर हम अभी प्याज को डालेंगे। ठीक है जी, ये साथ साथ आपको मैं दिखाता जाऊंगा जी। सबसे पहले प्याज को डालेंगे, प्याज को पकाएंगे, जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा ये जनाब आज अभी बना रहा हूँ मैं चिकन रोश। मोमी खान आ जाए, बिल्कुल महमूद भाई वेलकम। आज जनाब जी हम बना रहे हैं चिकन रोश, चिकन रोश बनेगा। ये है जी देसी चिकन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देसी चिकन है जी सील मुर्ग। ये एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये रोश के लिए अंदर डालने के लिए आलू, ये तमाम चीज़ें कटी हुई हैं। ये देखें प्याज फ्राई हो रहा है, जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा और ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे और मसाला तैयार करेंगे। जब मसाला तैयार होगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जी जी इफ्तखार भाई, बिल्कुल मिसिंग यू जनाब, बिल्कुल मिसिंग यू, बिल्कुल जनाब। आज मेरी अली हकीम साहब से भी बात हुई है, वो भी पहुँच रहे हैं वापस। इंशाल्लाह दो दिनों के अंदर अपना एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे दोबारा चिकन का। ठीक है जी इफ्तखार भाई, चिकन रोज बना रहा हूँ जनाब आज मैं। ये अभी प्याज ब्राउन होता है तो इसके बाद मैं जब बाकी चीज़ें डालूँगा तो फिर इंशाल्लाह ये वेलकम करूँगा मैं सबको। ठीक है, अभी मैं ज़रा थोड़ा 5-10 मिनट लग जाएंगे तो मैं ज़रा प्याज फ्राई कर लेता हूँ। ये प्याज जिस तरह फ्राई होता है तो मैं दोबारा आऊँगा और आगे जो कुकिंग के मरहले हैं वो दोबारा आपको आगे गाइडलाइन दूंगा। ठीक है जी, घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा जबरदस्त
कलर हो गया इनका मसाले का। ये देखो जनाब, ये देखो जनाब, इसके अंदर अभी प्याज भी रेडी हो गया है। प्याज के साथ इसके अंदर हमने डाल दिया अभी अदरक लहसुन डाल दिया सब्ज़ में। 5 मिनट इसको हम पकाएंगे, और इसको पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर वगैरह डालेंगे, ठीक है जी, ताकि मसाला हमारा फाइनल रेडी हो जाए। ठीक है जी, गरम मसाला पिसा हुआ, ये देखें जी मसाला तकरीबन रेडी है अभी, बेहतरीन सर, बहुत देखने को तो बहुत दिलकश लग रहा है, ज़बरदस्त। अभी इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो पानी खुश होने का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। ठीक है जी,
तो ये काफ़ी हार्ड होता है, ये पकने में टाइम लेगा, इसलिए हम मसाला जैसे ही रेडी होता है आपको दिखाता हूँ मसाला। ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है और इसके अंदर टमाटर ही पक रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम थोड़ा सा इसको हिलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे, ठीक है जी। साथ साथ थोड़ा सा हम हिलाते रहेंगे एक आध मिनट के बाद। ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, टमाटर भी तकरीबन गल रहे हैं। इसको अभी एक आध मिनट पकने देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन। अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। ये जी फूल भाई देसी है, एक दोस्त ने गिफ्ट किया है मुझे देसी मॉडल, वो भी तीन मॉडल भाई वाला तीन मॉडल देसी। ये देखें इसको हमने चिकन डाल दिया, अभी अभी उसे मिक्स करते हैं। Thank you.